अच्छा मैं करूँ अपने पास क्या कि एक टैम्प वेरिएबल बनाऊँ, एक टैम्प का वेरिएबल है, मैं पहले कहूँ एरे के सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो टैम्प में चली जाए, यानी कि एरे के सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू, एरे के सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो टैम्प में कॉपी हो जाए तो 3 यहाँ चला जाएगा। टैम्प एक वेरिएबल है, मैंने एरे का सेकंड इंडेक्स भी एक इंटीजर वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू यहाँ कॉपी हो सकती है तो ये यहाँ से कॉपी होकर यहाँ आ जाएगा। अब ये वैल्यू लॉस नहीं हो सकती, इसको मैंने ऑलरेडी कहीं और अपने पास सेव करवा लिया, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि एरे के थर्ड इंडेक्स पे जो भी है, इस पे था 2, 3 था, सॉरी वैल्यू थी एरे के सेकंड इंडेक्स पे 0, 1, 2, सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू थी 3, वो 3 चली गई टैम्प में, 3 आ गई यहाँ। अब मैं कह रही हूँ कि एरे के थर्ड इंडेक्स पे है 4, वो कॉपी हो जाए जो भी सेकंड इंडेक्स पे था, सेकंड इंडेक्स पे कुछ भी था उससे फर्क नहीं पड़ता, 4 यहाँ आ जाएगा तो 4 उठ के ये आ गया, ये ओवरराइड हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। अब दोनों पे 4, 4 हो गया। अब यहाँ मुझे 4 नहीं चाहिए, यहाँ मुझे क्या चाहिए, जो मैंने टैम्प में सेव करवा लिया था। अब मैं कहूँ कि जो भी एरे के थर्ड इंडेक्स पे क्या चला जाए, 4 था वो 4 ओवरराइड हो जाए, टैम्प में था 3 वो 3 उठ के यहाँ आ जाए, यानी पहले 3 यहाँ से यहाँ गया, 4 यहाँ आया और यहाँ से 3 को उठा के मैंने यहाँ रख दिया। ये क्या है, एरे में स्वैप करना, दो वैल्यूज़ को स्वैप करना। स्वैप करना समझ इसलिए लें कि जब हम सॉर्टिंग करेंगे तो हमें स्वैपिंग की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। यस, एक एरे की दो वैल्यूज़ को स्वैप करना, एक दूसरे की पोजीशन पे रिप्लेस कर देना।